दोस्तों आज खेला जाएगा भारतीय टीम और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल। दोस्तों जहां पहले दिन भारतीय टीम ने काफी ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन दिखाया है और भारतीय टीम मात्र 78 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और भारतीय टीम की तरफ से कोई भी खिलाड़ी 20 रन का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाया था। ऐसे में दोस्तों कल भारतीय टीम के लिए पूरा दिन बहुत ही बेकार बीता है, जहां कल भारतीय टीम काफी जल्दी ऑल आउट भी हो गई और भारतीय टीम की गेंदबाजी में भी कोई धार नजर नहीं आई और यही वजह रही कि कल भारतीय टीम के खिलाफ इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड की स्थिति को काफी ज्यादा मजबूत कर दिया है। ऐसे में अब भारतीय टीम को दूसरे दिन काफी तगड़ा खेल दिखाना पड़ेगा, वरना भारतीय टीम इस टेस्ट मैच में काफी ज्यादा पीछे रह जाएगी। और वैसे भी इंग्लैंड की टीम ने अभी 120 रन बना लिए हैं और भारतीय टीम पर 42 रनों की बढ़त बना ली है। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में खड़ी है। वहीं इंग्लैंड की टीम दूसरे टेस्ट मैच की हार झेलने के बाद तीसरे टेस्ट मैच में काफी तगड़ी तरीके से उभर कर आई है। इंग्लैंड के दोनों ओपनर बल्लेबाज जहां रोरी बंस 52 रन बनाकर नॉट आउट हैं, तो वहीं हबीब अहमद 60 रन बनाकर नॉट आउट हैं। दोस्तों इन दोनों ही खिलाड़ियों ने इंग्लैंड की पारी को काफी शानदार तरीके से बढ़ाया है, लेकिन दोस्तों आज भारतीय गेंदबाजों की बारी होगी। दोस्तों आज जसप्रीत बुमराह और शमी की जोड़ी को इस मैच में अपना एक्सपीरियंस झोंकना पड़ेगा और इंग्लैंड के बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाने पड़ेंगे, वरना दोस्तों इंग्लैंड की टीम इस टेस्ट मैच को बड़े आराम से अपने नाम कर पाएगी ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम आज अपना पूरा दमखम झोंकने वाली है। ऐसे में दोस्तों आज वेदर की बात करें तो आज का वेदर वहां पर अच्छा रहने वाला है और बारिश होने की संभावना नहीं है, लेकिन दोस्तों वहां पर हल्के बादल छाए रहेंगे, लेकिन दोस्तों बारिश होने की संभावना ना के बराबर है। ऐसे में दोस्तों तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल 3:30 बजे शुरू होगा और भारतीय दर्शकों की पूरी उम्मीदें हैं कि भारतीय टीम दूसरे दिन काफी तगड़ी गेंदबाजी करके इंग्लैंड के परखच्चे उड़ा दे और इंग्लैंड की टीम को जल्दी से जल्दी ऑल आउट करे, वरना इंग्लैंड की टीम अगर 200 से 250 रन की लीड देने में कामयाब रहती है तो भारतीय टीम के लिए ये टेस्ट मैच जीतना फिर काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में दोस्तों भारतीय टीम को दूसरे दिन ही इंग्लैंड को ऑल आउट करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों अब आप अपनी कीमती राय में कमेंट में बताएं कि क्या दोस्तों भारतीय टीम दूसरे दिन इंग्लैंड को ऑल आउट कर पाएगी कि नहीं, अपनी कीमती राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे में दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल वाली घंटी को दबाएं क्रिकेट से जुड़ी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।